कि साहब ये आपस में बहुत विचार विमर्श हमारे यहाँ चल रहा है, बहुत लंबा विचार विमर्श। चित्रा जी, आपको इस पूरी घटना की जानकारी होगी, पंजाब में 2017 से जब से इनकी सरकार बनी तब से लेके ये पहली बार ये जो है लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं। लगातार यही नवजोत सिंह सिद्धू मंत्रिपरिषद में रहते हुए किस तरह की बातें किए, किस तरह इस्तीफा दिए, फिर क्या क्या उन्होंने कैप्टन अमरिंदर जी को बोला, फिर पार्टी छोड़ने की बात की, फिर केंद्रीय उसमें गए, तमाम लफड़े हो रहे हैं। और अभी क्या है, ये मामला मैं आपको बताऊं, 17 मई से फिर से ये प्रारंभ हुआ जब सुखविंदर सिंह रंधावा जी के यहाँ एक बैठक हुई थी और वहाँ से ये सारे विवाद प्रारंभ हुए और ढाई महीने लगभग जो है, दो महीने के लगभग बीतने जा रहे हैं, लगातार ये जो है अंतर कलह कांग्रेस का वहाँ चल रहा। हमारी तकलीफ वहाँ दूसरी है, हमारी तकलीफ ये है कि इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है। इसका खामियाजा भुगत रही है पंजाब की आम जनता। वो देख रही है कि आज उसको स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि आपको हम बिजली नहीं दे पाएंगे, हम बिजली नहीं दे पाएंगे, 8 से 10 घंटे की आपकी कटौती होगी। ये घोषणा किया इन लोगों ने, पंजाब सरकार ने। आज वहां कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, ये इनकी आपसी लड़ाई के कारण से। तो ये अंतर कला का सारा जो है खामियाजा आम जनता वहां भुगत रही है और इनकी नौटंकी चल रही है। इनकी नौटंकी ये है और ये एक दूसरे पर खोल रहे हैं, तो अभी इतनी सरासर झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, क्या आपने नवजोत सिंह सिद्धू जी का इंटरव्यू नहीं पढ़ा सिंपल साहब? सारे टीवी चैनलों में नहीं देखा? आप सूत्रों की बात कर रहे हैं, क्या बोला उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने इंटरव्यू के अंदर में? उन्होंने ये स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि यहां पर जो पंजाब के अंदर माइनिंग घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, वैक्सीन घोटाला हुआ है। उन्होंने एक एक चीज भी बताया कि कैसे शराब का घोटाला हुआ, कैसे ये दो परिवार मिलकर वहां पर पैसे की लूट मचाई। बिल्कुल शर्मा जी, अब सवाल ये है कि इतने सारे आरोप आप लगा पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सामने, बीजेपी फिर वहां पर कहां खड़ी है पंजाब में? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन राजीव चड्ढा जी, मैं सर बाकी दो मेहमान भी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं लौटूंगी। के शर्मा जी, राघव चड्ढा जी, कांग्रेस पार्टी के भीतर ये कुछ जो कुछ बाजी चल रही है, कैसे देख रही है आम आदमी पार्टी? खुश बहुत हो रहे हैं आप, मुस्कुरा भी रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि उनकी गुटबाजी का फायदा कहीं आप लोग को मिल जाए? नहीं, मैं तो अक्सर मुस्कुराता हूँ, अच्छी बात है, मुस्कुराना चाहिए, सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन ये सारे जो मसले हैं चित्रा जी, ये कांग्रेस के अंदरूनी मसले हैं। मुझे उनके अंदरूनी मसलों से कुछ खास लेना देना नहीं है, ना ही इनके लिए कोई खास सिंपैथी है। लेकिन एक पंजाबी होने के नाते, पंजाब सूबे से आने के नाते और मुख्य विपक्षी दल का पंजाब इंचार्ज, सूबे का इंचार्ज होने के नाते, एक बात का मुझे बहुत अफसोस है, वो ये है कि ये सारी कुर्सी की लड़ाई में, कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री की लड़ाई में, पंजाब एक कोलैटरल डैमेज बन गया। पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गई। अगर आप पंजाब घूमेंगी, और जब चुनाव आएंगे तो आप जरूर आएंगे पंजाब घूमेंगे, एक एक हलके में, एक एक विधानसभा में जाएंगे, पूछेंगे, वहां आपको लोग कहेंगे कि कैप्टन साहब की जो सरकार रही वो सबसे निकम्मी सरकार रही पंजाब के इतिहास में, इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा चित्रा जी, इनके सारे एमएलए जब खड़गे साहब की 3 सदस्य वाली कमेटी के सामने दिल्ली में पेश हुए, इन सब ने कहा कि हमने 18 वादों पे चुनाव लड़ा था, 18 में से एक भी वादा कैप्टन साहब की सरकार ने पूरा नहीं किया, अब हम क्या मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे? लेकिन जब सरकार 4 साल नहीं काम करती है तो उससे उम्मीद करी जाती है कि कम से कम आखिरी साल, जो चुनावी साल जिसे कहते हैं, कि चुनावी साल के अंदर थोड़ा काम तो करेंगे अपनी सत्ता बचाने के लिए, चाहे सूबे का थोड़ा भला हो जाएगा, थोड़ा विकास हो जाएगा। लेकिन इस आखिरी साल में भी इन लोगों ने कुर्सी की लड़ाई जो लड़ी है वो बहुत ही दुखदाई रही। और आप मुझे एक बात बताएं, मैं आज सबसे पूछना चाहूंगा, सारे पत्रकार, सारे कमेंटेटर जो मौजूद हैं इस शो पे, सिद्धू साहब हो या कैप्टन साहब हो या कांग्रेस के और बड़े नेता हो, इन सबने कहा कि हमारे वैचारिक मतभेद हैं सरकार के साथ, कि इसने बेअदबी का इंसाफ नहीं किया, नशे पे काम नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, रेता बजरी माफिया को नहीं रोका, केबल टीवी माफिया को नहीं रोका, यही मुद्दों को लेकर ये लोग सदैव से जनता के बीच जाते रहे। ठीक है, अब आज अगर कुर्सी मिल जाती है तो ये सारे मुद्दे गौण हो गए, ये मुद्दे तो गायब हो गए, इन मुद्दों का तो कुछ बचा नहीं। आप और सभी का जवाब